हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रेखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। स्टे फिट स्टे हेल्दी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो कि बेहद बेनिफिशियल है सनबर्न, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। गर्मियों में तेज धूप, पसीना, पॉल्यूशन, गर्म हवाओं के चलते टैनिंग हो जाना एक आम समस्या है और ज़्यादा देर तक डायरेक्ट सनलाइट में रहने से ये टैनिंग स्किन बर्न में भी चेंज हो जाती है। इससे डार्क और डीपली स्किन डैमेज होने लगता है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जिसके 2-3 यूज से ही आपको इसमें फर्क महसूस होने लगेगा। तो आइए अब देख लेते हैं इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। इसके लिए हमें चाहिए छाछ यानी बटर मिल्क 2 टेबलस्पून, गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लोर 2 टेबलस्पून, 1 टमाटर, आधा स्लाइस पपीते का और आधे नींबू का रस। टमाटर और पपीते को टुकड़ों में काट लीजिए और नींबू का रस निकाल लीजिए। अब पपीते और टमाटर को एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। अब एक कांच के बाउल में 2 टेबलस्पून ये पल्प निकाल लें, उसमें गेहूं का आटा मिक्स करें, फिर इसमें नींबू का रस और छाछ मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार है, ये देखिए। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पे लगाने से पहले फेस वॉश करके सुखा लें, फिर इस पैक को फिंगर्स या ब्रश की मदद से अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगा लीजिए। 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें। उसके बाद फिंगर से हल्की हल्की स्क्रबिंग कीजिए। 2-3 मिनट तक मसाज करने के बाद नॉर्मल ठंडे पानी से फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बर्न है तो नींबू का रस यूज ना करें, इससे ईचिंग हो सकती है। इस पैक को आप अपने हाथों, कोहनियों और पैरों की टैनिंग रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इस रेमेडी में यूज किए गए सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं। विटामिन्स और मिनरल से भरपूर पपीता, टमाटर और बटर मिल्क, ये सभी स्किन के लिए नेचुरली क्लींजिंग का काम करते हैं। ये स्किन टोन को लाइट और फेयर करते हैं, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं जिससे ड्राई और डैमेज स्किन रिपेयर होती है, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन पैचेस क्लीन होने लगते हैं। और गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लोर नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है, स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। इस DIY होम रेमेडी यानी इस फेस पैक के रेगुलर यूज से आपकी स्किन फेयर, स्मूथ, शाइनी और फ्लॉलेस होने लगती है और स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से टिप के साथ। थैंक यू सो मच।